on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a gun. अच्छे से इसको बनाई थी, अब मैं उसको फिनिश करने जा रहा हूँ। तो मैं ये एक रोटी ले ली है और ये तवा मैंने गरम कर लिया, तवे को थोड़ा सा प्रीहीट कर लिया है और उसके ऊपर में मैंने ऑयल की हल्की सी ब्रशिंग कर ली है ताकि थोड़ा सा क्रंच और क्रिस्प आ जाए। और ये गया मेरा तोर्तिया तवे पे, एक ही तरफ से सेकना है। और स्टफिंग के लिए मैंने बनाए हैं आज फलाफल, तो बस इनको भी मैं तलने जा रहा हूँ। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इनको डीप फ्राई कर रहा हूँ। तो बस इसको मैं तलना शुरू कर रहा हूँ और इसको मैं सेकना शुरू कर रहा हूँ और फिर इसको मैं कंप्लीट करूँगा बहुत सारी ड्रेसिंग्स के साथ में और सैलड के साथ में। तो बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, तेल मेरा फर्स्ट क्लास गर्म हो गया और यह मैं फलाफल इसमें डाल दूँगा ताकि ये अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। और उसके बाद में इसको हम वैसे भी खा सकते हैं, चाहे पुदीने की चटनी हो, मेरे तो मुंह में पानी आ गया देखिए, चाहे हमस हो, चाहे शेजवान चटनी हो, या टमाटो केचप हो, या जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है आप उससे इसको इसकी कंप्लीट ड्रेसिंग पूरी कर सकते हैं। यानी कि हम अब एक तरह से सारी चीज़ें इकट्ठा करके जैसे दुल्हन तैयार करते हैं ऐसे ही मैं ये रैप भी तैयार करने जा रहा हूँ। और ये देखिए मैंने फलाफल को थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है ताकि स्टफिंग के बीच में ये अच्छी तरह से मिल जाए, यानी कि बना के दबाना न पड़े, मैंने दबा के बना लिया। ये देखिए मैंने बॉल को प्रेस कर दिया और ये समझ लीजिए टिक्की या कबाब की तरह अब ये फ्राई हो जाएंगे, झटपट ही फ्राई हो जाएंगे। और मीडियम हाई हीट के ऊपर में ही करिएगा, फुल हाई हीट पे नहीं करना इसको, नहीं तो ऊपर से तो तैयार हो जाएंगे अंदर से तैयार नहीं होंगे क्योंकि ये कच्चे चने से बने हैं। तो बस बिल्कुल ध्यान से और फर्स्ट क्लास तैयार करना है इनको और इनको बिल्कुल गोल्डन फ्राई करना है और अच्छे से हो जाएंगे। और इधर देखिए, इधर मेरी ये जो रोटी है, ये जो टोर्तिया है, ये भी अपना तैयार हो गई है, बस अब इसको असेंबल करना है। तो लीजिए दोस्तों, मेरे फलाफल तैयार हो गए हैं और अब मैं इनको साइड पे निकाल लूँगा और अब मैं आता हूँ इसकी फिनिशिंग पे। तो लीजिए दोस्तों, ये तोर्तिया के ऊपर में पहले मैं लगाऊँगा ये थोड़ी सी हमस। इसकी रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये अच्छे से लगाना है क्योंकि ये जो फलाफल है ये काफ़ी ड्राई हो जाते हैं अगर इसके साथ में कोई चीज़ मॉइस्ट ना हो। तो ये मैं देखिए अच्छे से हमस लगाया और इसके ऊपर मैं डालूँगा मैं ये प्याज, आपके पास जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। साथ में मैं डालूँगा थोड़ा सा कुकुम्बर ताकि ये थोड़ा सम्पचुअस रहे। और अब गया ये मेरा फलाफल, इसके ऊपर मैं डालूँगा, मैं अपने लिए डालता तो मैं इस पर चिली डालता, परंतु इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ मैं ये थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि ये जो बंदा खाने वाला है ये मिर्ची ज़्यादा नहीं खाता, तो इसके लिए मैंने चाट मसाला लिया। और ऊपर भी मैं थोड़ी सी हमस लगा दूँगा ताकि ये जो फलाफल है ये अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। और अब कुछ नहीं, जैसे आप लिफाफा पैक करते हैं हमने इसको अच्छे से पैक कर देना। और अब मैं लेके जाऊंगा इसको सीधा ग्रिल पे। दोस्तों मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया है और ग्रिल प्लेट के ऊपर भी मैंने थोड़ी सी ऑयल ब्रशिंग कर दी है
और अब मैं इसको प्लेस कर दूंगा और बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए प्रेस करके बंद कर दूंगा ताकि ये अच्छे से पक जाए। और हाँ दोस्तों, ग्रिल प्लेट को मैंने पहले ही थोड़ा प्री हीट कर लिया था ताकि मेरा ये तोर्तिया जो है स्टफ़ होने के बाद में जल्दी पक जाए। और दोस्तों, अगर आपके पास ग्रिल प्लेट नहीं है कोई बात नहीं, हम इसको तवे पे भी कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ग्रिल प्लेट ने इंडिकेशन दे दिया है कि मैं अब इस चीज़ को तैयार कर चुका हूँ। कि देखिए कितना शानदार बना है। बस अब इसको स्ट्रेटवे फ्रॉम प्लेट टू प्लेट एंड देन इनटू द पेट। तो लीजिए दोस्तों, अब ये मेरा रैप सर्व होने के लिए तैयार। ये देखिए क्या शानदार बना है। मजाल है कि आपको लगे ही नहीं कि ये बाज़ार से नहीं आया। तो लीजिए, मैंने इसके साथ में ये ग्रीन सैलड डेलिशेस ले ली है, साथ में और हम्मस ले ली है, और ये गया मेरा रैप। तो आप भी बनाइए और बताइए आपने बनाया तो कैसा बना। और मुझे तो बस मुंह में पानी आ रहा है, फटाफट दिल कर रहा है कि बस इसको मैं झटपट चबा जाऊं। तो आप भी बनाइए और पैसे बचाइए।